क्लासेस, मैं हूं दाबिता। और गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग शेयर कैपिटल की जनरल एंट्रीज करने वाले हैं, यानी कि बेसिक जनरल एंट्री। उसके लिए गाइज हमें कंसेप्ट की नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है, यानी कि शेयर क्या होते हैं, कैसे इशू करे जाते हैं, वो सारी नॉलेज। तो आज हम बेसिक जनरल एंट्रीज करेंगे लेकिन कंसेप्चुअल नॉलेज के साथ। सो गाइज शुरुआत करते हैं। सबसे पहले होता क्या है, कोई भी जब कंपनी मार्केट में आती है गाइज, उसको पैसा चाहिए होता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, राइट? तो वो ये पैसा किससे मांगती है? आम पब्लिक से। वो पब्लिक को बोलती है हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट करो। अब अगर उसको पैसा चाहिए सपोज 10 लाख रुपए, और वो पब्लिक को बोले भाई 10 लाख इन्वेस्ट करो, तो क्या कोई पब्लिक या कोई बंदा 10 लाख रुपए किसी भी कंपनी में लगाएगा? नहीं लगाएगा। इतना बड़ा अमाउंट कोई भी गाइस रिस्क पर नहीं लगाता। तो कंपनी क्या करती है, इस 10 लाख रुपए को ना इकट्ठा मांगते हुए स्मॉल यूनिट में मांगती है। लाइक 10 लाख रुपए अगर उसको चाहिए, उसने स्मॉल यूनिट कर दी, लाइक मेरे को 10 रुपए एक बंदा भी दे दे, तो 10 रुपए अगर एक बंदा भी दे दे तो टोटल उसे कितने बंदों से पैसे चाहिए होंगे गाइस? 1 लाख बंदों से, राइट? यानी कि ये गाइस हमारे नंबर ऑफ शेयर्स हो जाते हैं। ये क्या होते हैं, यानी कि अगर आप जितने रुपए मांग रहे हो, आप बहुत ज़्यादा मांगोगे तो लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो आप एक स्मॉल यूनिट मांगते हो। सो स्मॉल यूनिट ऑफ अ शेयर कैपिटल इज कॉल्ड शेयर, ठीक है? तो आपने शेयर बना दिया, यानी कि 10 रुपये 100 रुपये ऐसे इन्वेस्ट करो, एक स्मॉल यूनिट बना दी आपने किसकी, अपने शेयर कैपिटल की। ये क्या है, आपकी शेयर कैपिटल है, जो आप कैपिटल, कैपिटल मीन्स क्या होता है, द मनी इन्वेस्टेड इन द कंपनी, और शेयर मतलब द मनी इन्वेस्टेड इन द कंपनी इन टर्म्स ऑफ शेयर इज कॉल्ड शेयर कैपिटल। तो आप कंपनी क्या कह रही है, 10 लाख रुपए चाहिए हमें शेयर कैपिटल के रूप में, यानी कि बिजनेस में इन्वेस्टमेंट के रूप में, तो लोग इकट्ठा नहीं दे रहे, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा हर एक बंदे से मांगते हैं। तो वो क्या करेंगे, लाइक 10 रुपए अगर एक बंदे से भी मांगेंगे तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ जाएंगे हमारे, 1 लाख। यानी कि 1 लाख लोग भी अगर 10 रुपए की चीज़ खरीदेंगे तो हमारे पास पूरा 10 लाख रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। बट जनरली क्या होता है गाइस, 1 लाख लोग तो नहीं, बट जैसे अगर मैं हूँ तो मैंने 10 शेयर खरीद लिए, आपने 5 शेयर खरीद लिए, लोग 100 शेयर भी खरीदते हैं, क्योंकि एक स्मॉल अमाउंट ही बनता है। अगर 10 रुपए का एक शेयर है गाइस और मैंने 500 शेयर खरीदे, तो 5,000 रुपये कंपनी में इन्वेस्ट करें, तो आज के टाइम में 5,000 इन्वेस्ट करना बड़ी बात नहीं है, और कंपनी के 500 शेयर भी बिक जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं हमें 500 बंदा इकट्ठा करना है, हमें नंबर ऑफ शेयर्स। तो ये क्या निकला हमारा, नंबर ऑफ शेयर्स, राइट? आप कंपनी क्या करती है, एक छोटा अमाउंट मांगती है, लेट सपोज 10 रुपये 100 रुपये, इट्स डिपेंड कंपनी टू कंपनी, राइट? अब इसमें भी वो एक गाइस खासियत करती है, वो पब्लिक को ये कहती है कि आपको पूरे के पूरे 10 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है एक बारी में। और आसान कर दिया उसने, बोला कि पूरे 10 रुपये मत दो एक बारी में, अगर आप 100 शेयर खरीद रहे हो तो 1,000 रुपये, 100 × 10 1,000 रुपये मत दो। आप क्या करना, पहले 2 रुपये दे दो हमें, फिर 3 रुपये दे दो, फिर 2 रुपये, फिर 3, तो 2 + 3 = 5, और 5 हो गए 10। तो कंपनी यहाँ पे गाइस जो पैसे मांग रही है वो तोड़ के मांग रही है, वो इकट्ठे नहीं मांग रही, वो कह रही है ब्रेक करके दो। अब इस ब्रेक करने को ना गाइस, वो जब पैसा लेती है तो उसको नाम दे दिया गया। क्या क्या नाम दे दिया गया, इसको बोला गया एप्लीकेशन मनी। अच्छा, इसको एप्लीकेशन मनी क्यों बोला गया गाइस, जैसे कि आप जब आप स्कूल में एडमिशन लेने जाते हो तो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कराते हो, राइट? कुछ पैसों के साथ, 50 रुपये 100 रुपये के साथ, तो इट मीन्स यू आर अप्लाइंग इन द कंपनी। लोग भी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, क्यों? क्योंकि लोगों के पास बहुत पैसा है और वो उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं ताकि उस कंपनी से कमा सके। कैसे कमाएंगे गाइस, जैसे अगर मैंने सपोज करो 10 रुपये का शेयर खरीदा था 2021 में, और 2025 में वो बढ़कर अगर 500 रुपये का हो जाए तो मैंने सीधा 490 रुपये कमा लिए। और सपोज़ करो मैंने 10 रुपये के 100 शेयर खरीदे थे, मैंने सिर्फ 1,000 रुपये इन्वेस्ट करे थे गाइस, कब, 2021 में, 10 रुपये का एक शेयर था और मैंने 100 शेयर खरीदे, 1,000 रुपये लगाए। अब आज की डेट में 500 रुपये का एक शेयर हो रखा है, 100 रुपये 100 शेयर्स 500 का, अगर शेयर की वैल्यू 10 रुपये से बढ़ के 500 हो जाए और मेरे पास 100 शेयर रखे हैं, तो मैंने सीधे सीधे कितने कमा लिए, 50,000।
तो लोग इसलिए इन्वेस्ट करते हैं गाइस, क्योंकि शेयर्स के प्राइसेस बढ़ते और घटते भी हैं। घटते हैं तो नुकसान होता है, लेकिन अगर बढ़ गए तो फ़ायदा होता है, इसलिए लोग इन्वेस्ट करते हैं। दूसरा फ़ायदा क्या होता है, हम शेयर्स में क्यों इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि कंपनी एवरी ईयर हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट में से हिस्सा भी देती है, तो लोग इन्वेस्ट करते हैं। पैसा भाई, लोगों के पास पैसा है तो इन्वेस्ट करेंगे। अब गाइस ये तो चलो हुआ कि इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं, तो सबसे पहले हम इन्वेस्ट जब करते हैं तो लोग पब्लिक कंपनी के पास एप्लीकेशन भेजती है। हर एक बंदा, मिस्टर मोहन ने 500 शेयर अप्लाई करे, सोहन ने 4000 करे, जिसके पास जितना पैसा है, तो उसे हम एप्लीकेशन का नाम देते हैं। अब कंपनी इन एप्लीकेशन को जब एक्सेप्ट कर लेती है, फिर उसके बाद क्या होता है, वो लोगों से समय समय पर पैसा मांगती है। इसको हम बोलते हैं अलॉटमेंट, कि भाई आपके शेयर्स अप्लाई हुए थे, अब अलॉट हो चुके, पैसा दो, तो दैट इज़ कॉल्ड अलॉटमेंट। अलॉट कर दिया है हमने आपके शेयर, इसको बोलते हैं गाइस फर्स्ट कॉल, इसको बोलते हैं फाइनल कॉल, ठीक है। तो ये इनके नाम दिए गए हैं कंपनी की भाषा में। अब अगर मैं इसका एग्जांपल दूँ, आप स्कूल में एडमिशन कराते हो, आपने एडमिशन करा लिया, उसके बाद अप्रैल की फ़ीस आपको देनी पड़ती है, स्कूल वाले मांगते हैं, मई की फ़ीस मांगते हैं, जून की फ़ीस मांगते हैं, और आपको देनी पड़ती है। तो ये एक तरीके से एडमिशन कराने के बाद आपकी फ़ीसेस जा रही है, क्योंकि वो तो पूरे 10 रुपये लेंगे ही लेंगे, कंपनी पूरे 10 रुपये लेगी लेगी। अब पहले को हमने क्या नाम दिया, एप्लीकेशन, दूसरे को अलॉटमेंट, तीसरे को फर्स्ट और चौथे को फाइनल कॉल, इसको सेकेंडरी कॉल भी बोलते हैं। और ये कंपनी पर डिपेंड करता है कि वो इसे अलग अलग मांगे या इकट्ठे 5 रुपये भी मांग सकती है, ठीक है। अब गाइस बात आती है कि इसमें एंट्रीज कैसे करी जाती है, तो एंट्रीज को समझना बहुत आसान है। इसमें हर एक केस की गाइस दो एंट्री होती है, यानी कि एप्लीकेशन की भी दो एंट्री होंगी, अलॉटमेंट की भी, फर्स्ट कॉल की भी, फाइनल कॉल की भी, ठीक है। हर एक केस की दो एंट्री होती है। अब हम एप्लीकेशन से स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन में आपने कंपनी को पैसा दिया, बैंक अकाउंट क्या होता है, डेबिट हो जाता है, पहली एंट्री। किससे, कैसे, कहाँ से पैसा आया, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट से, आपको पूरा लिखना है, ठीक है। अब इसमें हम एक एग्जांपल भी मान लेते हैं, लाइक 10 रुपये का शेयर्स था, नंबर ऑफ शेयर्स मान लेते हैं 1 लाख, ताकि हम अमाउंट भी सीख सके कैसे आता है। एप्लीकेशन कितने की है गाइस, 2 रुपये की, 1 लाख शेयर्स पर 2 रुपये के हिसाब से, यानी कि 1 लाख शेयर हमारी अगर क्वान्टिटी है, 2 रुपये के हिसाब से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएंगे टोटल 2 लाख रुपये, राइट। यहाँ तक समझ आया, ये इसकी नरेशन क्या लिखते हैं, बींग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, आपको मिल रहा है पैसा, बैंक में आ रहा है, राइट। सेकेंड एंट्री हम इसमें क्या पास करते हैं गाइस, शेयर एप्लीकेशन से हम अपना पैसा ट्रांसफ़र करते हैं टू शेयर कैपिटल अकाउंट में, कि भाई इस पैसे को हमने अपनी कैपिटल बना लिया, कौन सा पैसा, इस पैसे को। अब कंपनी ये पैसा क्या करेगी, अपने कामों में, बिजनेस को चलाने में यूज़ करेगी, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बींग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल, यानी कि आपने जो एप्लीकेशन का पैसा आया था, अब वो आपकी कैपिटल बन चुका है, अब वो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट हो चुका है, और आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो, कहीं भी नहीं मतलब बिजनेस के कामों में। तो ये दो एंट्रीज होती है। अब अगर क्वेश्चन में गाइस यहाँ पे इक्विटी शेयर बोला हो तो आप इक्विटी लगा सकते हो, नहीं बोला तो आप शेयर एप्लीकेशन सिंपल भी लिख सकते हो, इट्स डिपेंड कि क्वेश्चन में क्या बोला है। लेकिन एंट्रीज क्या है, पहली बैंक में पैसा आएगा, कहाँ से, एप्लीकेशन से, फिर वो एप्लीकेशन से पैसा कहाँ जाएगा, शेयर कैपिटल में। पहली दो एंट्री गाइस एप्लीकेशन की यही होती है, सबसे पहले पैसा आता है, फिर हम उसे ट्रांसफ़र कर देते हैं कहाँ, अपने शेयर कैपिटल अकाउंट में। अब आती है बात गाइस जब हम अलॉटमेंट मांगते हैं, अलॉटमेंट कितने की मांग रहे हैं हम, 3 रुपये की, इसको मैं रब करती हूँ गाइस, ठीक है, हमें अपने अमाउंट याद है अच्छी तरीके से, 1 लाख शेयर्स हैं हमारे, ठीक है, 10 रुपये के हिसाब से 2323 ईजी से नंबर्स लिए हैं हमने ताकि हम समझ सकें। अब गाइस अलॉटमेंट की, अलॉटमेंट में दो एंट्रीज होंगी, थर्ड एंड फोर्थ, बहुत ईजी है समझना गाइस, समझना। अब हम पहले पैसा नहीं मांगते, हम उनसे पहले ड्यू करते हैं कि भाई तुमने पैसा देना है, तो वो पहले पैसा दे नहीं देते, हम मांगेंगे, तो हम मांगते हैं तो हम शेयर अलॉटमेंट को ड्यू करते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट होता है गाइस टू शेयर कैपिटल अकाउंट से। 1 लाख अलॉटमेंट कितने की है, 3 रुपये की, यहाँ आ जाएगा 3 लाख रुपये, ठीक है। इधर क्या लिखते हैं, बींग शेयर अलॉटमेंट ड्यू, मतलब आपको ये नरेशन बुक में भी मिल जाएगी, आप यहाँ ड्यू कर रहे हो। इसके बाद अब आपने लोगों से लेटर भेज दिए, पैसा दो पैसा दो पैसा दो, अब जब आपके पास पैसा आएगा
आप बैंक में पैसा आ जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कहाँ से आया ये पैसा, किस चीज़ का मांगा है? अलॉटमेंट का। तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना? 3 लाख। नरेशन में क्या आएगा गाइज? बींग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ठीक है, इजी था। अब दोनों में क्या फ़र्क है गाइज? इसमें पहले पैसा आता है फिर ट्रांसफ़र होता है। इसमें क्या होता है, अलॉटमेंट में हम मांगते हैं पहले तो ड्यू करते हैं फिर मिलता है। यहाँ पे मिल पहले गया था लेकिन यहाँ पे सेकंड में मिलता है, बस यही डिफरेंस है। बाकी कोई डिफरेंस नहीं है एंट्रीज में, बस एप्लीकेशन की जगह अगर अलॉटमेंट है तो अलॉटमेंट आ जाएगा। ठीक है, अब गाइज ये थी हमारी अलॉटमेंट की। अब फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या होगी? सब कुछ सेम रहेगा, फर्स्ट कॉल में भी दो एंट्रीज होंगी। यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट का पैसा आपने मांगा था, यहाँ पे हम फर्स्ट कॉल का मांगेंगे। तो फर्स्ट कॉल को हम डेबिट करेंगे कि भाई हमारे फर्स्ट कॉल का पैसा दो टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना है? 2 रुपये के हिसाब से 1 लाख, 2 लाख और 2 लाख। और जब मिल जाएगा गाइज तो यही एंट्री रिपीट हो जाएगी, बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल, नाम चेंज हो जाएगा, बाकी एंट्री सेम रहती है। तो एंट्री समझना कोई मुश्किल नहीं है, नाम चेंज होंगे। यहाँ पे हमने अलॉटमेंट ड्यू करी थी शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, यहाँ फर्स्ट कॉल ड्यू करोगे शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। जब फाइनल कॉल ड्यू करोगे शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, ड्यू की एंट्री सेम रहेगी, नाम बदलेगा। रिसीव होगा बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल रिसीव होगी बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल रिसीव होगी बैंक टू शेयर फाइनल कॉल। ये कंसेप्ट रहता है गाइस और कोई इसका कोई मुश्किल कंसेप्ट नहीं है। आई होप गाइस आपको ये समझ आया होगा। और अगर कहीं पर भी डिफ़िकल्टी फेस हो रही है तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है तबिता मैसी, या फिर यूट्यूब पे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो। और अगर समझ आई है, वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना गाइस और सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू।